फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं दही पूरी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए और अपने घर पे जरूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। दही पूरी बनाने के लिए हमने पूरी लिया है। ये पूरी हमने बाजार से मंगवा रखा है। मूंग को हमने फुला के प्रेशर कुकर में हमने बॉयल कर लिया है नमक डाल के। एक बड़ा आलू को हमने बॉयल करके पील करके उसको तोड़ लिया है। एक कटोरी गाढ़ी दही में हम शक्कर और नमक डाल के अच्छे से फेंट लिए हैं। एक छोटा प्याज को हमने बारीक बारीक काट रखा है। हरे धनिया पत्ते की और पुदीना की हमने चटनी पीस रखी है। चाट मसाला हम डालेंगे। इमली की चटनी हमने लिया है। फ्रेश धनिया पत्ता को हमने बारीक बारीक काट रखा है। बेसन वाली शेव लिया है। स्वाद के अनुसार हम नमक, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर यूज करेंगे। तो चलिए हम फटाफट दही पूरी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल में मूंग को डाल लेंगे और उसमें हम ये आलू डाल लेंगे। साथ में हम प्याज डाल लेंगे और इसे हम एक अच्छा सा मिक्सर बना लेंगे जिसे हम पूरी में भरेंगे। अब हम इसमें चुटकी भर नमक ऐसे छिड़क लेंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सभी चटनियों में भी नमक होता है, तो हम अंदाज से ही नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सर को हटा के और एक प्लेट लेंगे। इसमें हम पूरियां तोड़ के सजाएंगे। तो हमने पूरियों को लेना है और बीच से ऐसे तोड़ लेना है क्योंकि इसमें हम आलू भरेंगे, दही भरेंगे, तो अच्छे से बीच वाले पोर्शन को तोड़ना है। आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम पूरी सजा लेते हैं। अब हम इस मिक्सर को हटा के और एक प्लेट लेंगे। इसमें हम पूरियां तोड़ के सजाएंगे। तो हमने पूरियों को लेना है और बीच से ऐसे तोड़ लेना है क्योंकि इसमें हम आलू भरेंगे, दही भरेंगे, तो अच्छे से बीच वाले पोर्शन को तोड़ना है। आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम पूरी सजा लेते हैं। हमने सभी पूरियां तोड़ के प्लेट में रख लिया है। अब हम इसमें आलू, मूंग और प्याज के मिश्रण को डालेंगे थोड़ा थोड़ा, यानी कि आधी पूरियां हमें इस मिश्रण से भर देना है। तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के सभी पूरियों में इसकी फिलिंग कर देंगे। हमने सभी पूरियों को अच्छे से आलू और मूंग से भर लिया है। अब हम इसमें हल्का हल्का नमक स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चुटकी में 3 से 4 पूरियों पे डाल देंगे। ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि हमारी सभी चटनियों में नमक होता है। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे मीठी चटनी। तो यहाँ पे हमने मीठी चटनी ले रखा है। आधा आधा चम्मच हम मीठी चटनी डाल लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। मीठी चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें हरी चटनी। तो ये हमने हरा धनिया और पुदीना का चटनी जो बनाया था वो चटनी है। अब हम इसमें दही डालेंगे। ये दही पूरी है तो यहाँ पे हम भरपूर मात्रा में इसमें दही डालेंगे। आप देख सकते हैं ये दही पूरी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। खाने में तो टेस्टी लगेगी ही लगेगी। अब हम ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। सभी पूरियों पे हम एक एक चुटकी चाट मसाला डाल देंगे। ऊपर से डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा का खाना पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम खाना पसंद है तो थोड़ा सा कम डालिए, पर ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऊपर से हम डालेंगे ब्लैक सॉल्ट। तो ये हम चुटकी चुटकी डालेंगे, हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है। फाइनल हम डालेंगे इस पे धनिया पत्ता जिसे हमने धो के बारीक बारीक काट रखा है।
और दही पूरी की गार्निशिंग शेर से ना हो तो फिर वो अधूरी लगती है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर ढेर सारा बेसन का शेव डालेंगे और फाइनली हम थोड़ा थोड़ा दही इस पे डाल देंगे, जिससे कि दिखने में लगे कि अपनी ये दही पूरी है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया घर पे दही पूरी बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये जबरदस्त लगता है। तो इस रेसिपी को आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिए और मेरे से